वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे एप्पल पेड़ा। एप्पल पेड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। आपने पेड़ा कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन एप्पल पेड़ा आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एप्पल पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो एप्पल लिए हैं। अब हम इनके छिलके निकाल के इन्हें बारीक बारीक चॉप करके ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें एप्पलों को चॉप करना है। तो यहाँ पर जो एप्पल है उन्हें हमने चॉप करके ले लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए जो एप्पल है उनको डाल दूंगी, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप पाउडर शुगर। यहाँ पर आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप हरा नारियल, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें कुक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एप्पल हैं वो कुक नहीं हो रहे हैं, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध या फिर 2 से 3 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुक करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। जो एप्पल हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से जो हमारे पेड़े हैं वो काफ़ी डिलीशियस लगते हैं। अब मैं साथ ही में इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है पेड़े में। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इन्हें 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 मिनट के लिए कुक करके और ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ml ग्रीन फूड कलर। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन फूड कलर डालने से हमारे पेड़े हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फूड कलर को डालने के बाद 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे 1 मिनट के लिए और कुक करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ठंडा करके ले लिया है। अब हम इसे पेड़े की शेप देंगे। तो पेड़े की शेप देने के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। अब मैं इसमें से थोड़ा सा पोषण लूँगी हाथों की सहायता से चिकना करते हुए इसे पेड़े की शेप दे दूँगी। आप चाहें तो लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे बर्फी की शेप में भी जमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से चपटा करते हुए इसे पेड़े की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर एक पेड़ा हमारा बनके तैयार हो गया। मैं इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर दूंगी। तो इसी तरीके से सभी पेड़े हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे गार्निशिंग कर दूंगी चॉप किए हुए बादाम के साथ। आप चाहें तो पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी को मैंने गार्निशिंग कर दिया है। तो इस तरीके से झटपट से हमारे जो पेड़े हैं एप्पल के बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। रियली गाइस, आपने पेड़े कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन एक बार एप्पल पेड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी भी होते हैं। तो सो गाइस, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।